हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है, कहते हैं जहां अड़ जाए जींद उड़ा दे सबकी नींद। तो जींद के इस धरती पर, इस पावन धरती पर आने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपको शुक्रिया कहता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात आपसे करूं उससे पहले हमारा और आपका एक रिश्ता है, हमारा आपका एक संबंध है, वो संबंध है मेहनत का, वो संबंध है ईमानदारी का, वो संबंध है खून पसीने का। उसके बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जब मैं बिहार से चल करके दिल्ली आया था कलेक्टर बनने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो हमारे साथ हरियाणा के कुछ लोग रहते थे, रोहतक के, झज्जर के, चरखी दादरी के, यमुनानगर के, सिरसा के, करनाल के, अंबाला के, पानीपत के, सोनीपत के। उनके साथ रहते हुए हमने हरियाणा के बारे में बहुत कुछ जाना है। एक बार की बात है, हमारे हरियाणा के एक दोस्त ने कहा, भाई कन्हैया रोटी खा ले। तो मैंने कहा, भाई साहब दोपहर का वक्त है, हम लोग रोटी नहीं चावल खाते हैं। तो मेरे हरियाणा के उस दोस्त ने कहा, भाई हम चावल भी खाते हैं तो उसको रोटी खाना ही कहते हैं, भले तू चावल खा ले लेकिन मैं तो यही कहूंगा रोटी खा ले तू। तो मैं समझता हूं ये जो रोटी का संबंध है वो बिहार के लोगों का हरियाणा के लोगों के साथ है। आप जो देश भर के लिए हरियाणा के मेहनती किसान चावल उगाते हैं, हम बिहार वाले उस चावल को बोते हैं, उस चावल को काटते हैं, उस चावल को बोरियों में भरते हैं। इसीलिए हमारा और आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, मेहनत का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है, खून पसीने का रिश्ता है। और इसी खून पसीने के रिश्ते के दम पे कुछ बात मैं आपके सामने करने के लिए आया हूं। हालांकि मेरा मानना है कि जींद के लोगों को राजनीति कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में, उत्तर भारत में देश की राजनीति अगर बदलती है कहीं तो उसकी शुरुआत जींद से होती है, उसकी आगाज जींद से होती है। और जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो आते हुए ही हमको इस देश के प्रधानमंत्री की बेईमानी की निशानी देखने को मिली। और वो बेईमानी की निशानी क्या है तो टीकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के पास आज भी किसान आंदोलन का वो क्रांतिकारी इतिहास, उसके चिन्ह वहां पे मौजूद हैं कि किस तरीके से इस सरकार ने इस देश के किसानों के साथ बेईमानी की थी। एक बार फिर से आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश है खिलाड़ियों का, हरियाणा वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पदक जीत करके देश के लिए अगर कोई लाते हैं तो वो हरियाणा के छोरे और छोरियां, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आप इस देश की फौज को उठा करके देख लें तो सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी करने वाले नौजवान अगर कहीं पैदा होते हैं तो हरियाणा में पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप आज हरियाणा की स्थिति देखें तो इस बेईमान भाजपा सरकार ने हरियाणा को एक जगह और एक नंबर कर दिया है। और वो जगह, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आज हरियाणा बेरोजगारी में भी नंबर एक हो गया है। ये जो हरियाणा के अंदर हालात पैदा हुए हैं उसके बारे में अगर कहीं से क्रांतिकारी शुरुआत हो सकती है तो वो धरती जींद है। इसीलिए मैं धरती के तमाम माताओं, बहनों, किसान, मजदूर भाइयों और नौजवान साथियों से कहता हूं, किस ऐतिहासिक शुरुआत को आपको करना पड़ेगा और आपको यह समझना होगा कि आज हम किस परिस्थिति में जाकर के खड़े हैं। आप देश के किसी भी इलाके में जाकर के घूम करके देख लीजिए, हर जगह एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। जब मैं रास्ते से आ रहा था रोहतक के पास, मुझे जींद की तरफ मुड़ना था तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूं जहां लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार, पहले 15 लाख ला फिर तेरी सरकार आने की बात होगी, पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे फिर तेरी सरकार आने की बात होगी, पहले तो किसानों की आमदनी दुगनी कर फिर तेरी सरकार आने की बात होगी,
पहले तू हरियाणा जिसको बेरोजगारी में तू एक नंबर बना दिया है, यहाँ रोजगार में एक नंबर हरियाणा को बना, फिर तेरी जो है सरकार आने की बात होगी। हमारी सरकार नहीं है हरियाणा में, लेकिन श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और मैं कहता हूं खाए हुए शरीर को और नहाए हुए शरीर को गवाही देने की जरूरत नहीं होती है। अरे प्रमोद भाई को देख के कोई कह देगा कि खाए पिए परिवार से हैं? कह देगा कि नहीं कह देगा? तो कहते हैं खाए हुए शरीर और नहाए हुए शरीर को गवाही की जरूरत नहीं होती है। आप बहादुरगढ़ के जितने इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं वहां से चलना शुरू कीजिए जींद की तरफ, आपको रास्ते में फुटवियर पार्क मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? एशियन पेंट की फैक्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों तरफ छोटे कल कारखाने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये सब हुड्डा साहब का दिया हुआ है। और मैं आपको याद दिलाता हूं 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों। आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पे चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है जो हंसते हंसते अपने सीने पे गोली खा लिए थे, और भाजपा का इतिहास नाथूराम गोडसे का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे साथ करते थे फूट डालो और राज करो, उसी तरह से भाजपा आज कर रही है, फूट डाल रही है और इस देश पर राज कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज 10 साल भाजपा की राजनीति को होने को है, 9 साल देश में भाजपा की राजनीति पूरी हो चुकी है, हरियाणा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के वक्त में होता है, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होता है, आज 9 साल पूरे होने को है। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, और मैं बाहर से आकर के आपको यह बात समझाने वाला नहीं हूं, आपको यह बात अपने सीने पे हाथ रख करके समझना पड़ेगा कि भाजपा यहां आकर के कौन सी राजनीति की शुरुआत की। भाजपा यहां आकर के 35 बिरादरी और 36 बिरादरी करना शुरू किया कि नहीं किया? हाथ उठा करके बताइए, किया कि नहीं किया? किया ना? तो मैं नड्डा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? खेला करते हो? खेला? अरे झूठा, बेईमानी करते हो? मैं आपसे कहता हूं, और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे? ये मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं निकालो रस्सी लगाओ फांसी पे, अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पर देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पे लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है? रे झूठा, देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास नारा है
तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं, बोलिए सोच करके। यहां वोट चाहिए, वहां वोट नहीं चाहिए, और वहां वोट चाहिए और यहां वोट नहीं चाहिए। नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। यमुना के पार अलग राजनीति बागपत में, और यमुना के इस पार सोनीपत में अलग राजनीति। इस खेल को हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा, इस खेल को जींद के लोगों को समझना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब जब नींद से उठता है जींद, तब तब आती है हरियाणा में बदलाव और हरियाणा में आती है क्रांति। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि देश के भीतर जो सच्चाई है वो हकीकत हमको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। क्या नारा लगाए थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है, बताइए। पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर मिल रहा है। क्या नारा लगाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे? 9 साल हो गया है, अभी टीवी पर प्रचार आएगा 9 साल बेमिसाल। तो मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, हरियाणा के नौजवानों से कहता हूं, 9 साल देश बेहाल, पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है, यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना जाना चाहिए। और आपने कहा था ना कि किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, किसानों को 1 साल तक इस दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के आंदोलन करना पड़ा था, सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये जिसका जिसका नाम लेते हैं ना, उसके उसके साथ बेईमानी करते हैं। 9 साल दोस्त बेमिसाल, 9 साल देश बेहाल, यह सच्चाई देश के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए, अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तो एमपी बनेगा 4 साल के लिए, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, अग्नि बनेगा 4 साल के लिए, बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? है ना। तो आप जींद के लोग हैं ना, कड़कड़ा के बोलिए बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है कि बेईमान को बेईमान बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री 5 साल का हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों होगा? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है तो बेल्ट की नौकरी करने वाला कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, प्रोफेसर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, सिपाही को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, सेना में नौकरी करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? और मैं अपने बड़े भाई दीपेंद्र साहब के सामने आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का मैं का हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के आइए। हमने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश एक बदलाव चाहता है। हम मानते हैं कि आपको हमसे कुछ नाराजगी होगी, कई बार माँ बाप को भी अपने बच्चे से नाराजगी हो जाती है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को उठा करके डस्टबिन में नहीं फेंक देते हैं क्या माता जी? फेंक देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी पार्टी है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुद्दा आपका मुद्दा है। और हम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि झूठ बोलेंगे आकर के आपको जबरदस्ती कहेंगे कि हमारा जींद से बहुत पुराना नाता है। अरे प्रधानमंत्री जी, जींद से आपका पुराना नाता है ना, तो एक और मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलवा दीजिए। रास्ता में आते हुए सड़क पे बहुत सारा गड्ढा है, यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए हिसार जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अगर आपका नाता है तो जींद के लोगों को ठगना बंद कीजिए, क्योंकि जींद के लोग अगर जाग गए तो जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है, और हरियाणा में बदलाव से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो हमारा वादा है कि हरियाणा को हम बेरोजगारी में नहीं रोजगार में नंबर एक बनाएंगे। हम हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे।
भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा बिल्कुल साफ है। हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, किसानों को एमएसपी से जोड़ करके रखना चाहते हैं, महिलाओं को उनके सम्मान से जोड़ करके रखना चाहते हैं, बुजुर्गों को उनके पेंशन से जोड़ करके रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं है। हमारा जो संघर्ष है वो सत्ता की नहीं है, सत्य की है। तो मैं आप तमाम जींद के लोगों से यह अपील लेना चाहता हूँ, मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, सत्य की इस लड़ाई में, लोग कहते हैं कि बिहार भी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय जगह है, बिहार भी बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लेकिन कई बार चिराग तले अंधेरा होता है। जींद भी हरियाणा का सबसे सक्रिय जिला है, राजनीतिक रूप से सबसे सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन विकास जितना जींद में होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि चिराग तले अंधेरा नहीं होगा, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी, और हमारा संघर्ष सत्य के लिए है। सत्य के इस संघर्ष में आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं? सब लोग साथ हैं। तो एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज 20 मई है, आज हमको दीपेंद्र साहब को भी शपथ ग्रहण समारोह में होना था, लेकिन हमने जींद से वादा किया था, अपने भाई से वादा किया था कि हम जनता के बीच में रहेंगे, और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, अगली बार हरियाणा के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, ये संकल्प लेकर के जाते हैं।